फ्रेंड्स, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक्सरसाइज 4.3 से करेंगे। चैप्टर फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से सिंपल वे से करेंगे। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? ऐसी डिजाइन, कौन सी डिजाइन? अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है तो रेक्टेंगल की बात होती है, तो लेंथ और विड्थ की बात होगी। इसकी जो पेरीमीटर है, तो यहाँ पर सॉरी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर को पी से डिनोट कर दो। ये गिवन है 80 मीटर। तो पेरीमीटर होती क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला पढ़ा है ना, रेक्टेंगल का 2 × L + B। ये जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितनी गिवन है? 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + V इज इक्वल टू 80। ये दिया है और साथ में एरिया दिया है, तो अभी हम उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, एरिया भी साथ में दिया है। एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है आपको 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? L × B, तो ये 400 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बाद में कैलकुलेशन के बाद लगा देंगे। अब कोई तो बंदा इसमें एक्स को, कोई भी टीचर इसमें एक्स ले सकता है। एल को एक्स ले लें तो बी को बाई ले लें। अब देखिए यहीं से हम करने वाले हैं, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम इसको थोड़ा सा आप है ना लेट लिखें, थोड़ा सा लेट लिखें या दूर लिखें। अब हम यहाँ से ये करने वाले हैं कि जैसे आपका ये 2 है ना, तो L + B और 80, 2 नीचे ले लो इसको, और ऑल ओवर है ना, 2 बाहर कॉमन है, सब में से बाहर कॉमन है, तो 2 नीचे आ जाएगा, एक कट जाएगा 40। तो L + B कितना आ गया? 40। और विड्थ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 - L। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। हमने कुछ नहीं किया, हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा 2 × L + V, पेरीमीटर 80 है, 2 को नीचे ले आए तो ये कट गया 40। फिर हमने L को इधर ले आए तो विड्थ की वैल्यू आ गई, ब्रेड्थ की है 40 - L। तो L क्या है? L 4 लेंथ है, ठीक है ना, और B 4 ब्रेड्थ है। इसमें आपने पहले छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ रखा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें एरिया दिया हुआ है, तो एरिया का सहारा ले लो। एरिया कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। अब बार बार मीटर स्क्वायर नहीं लिखाएंगे, लास्ट में यूज कर लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L × B, 400। केयरफुली वॉच करिए, हर स्टेप को समझिए। तो यहाँ से 2 वेरिएबल आ गए, लेंथ और विड्थ, तो आप क्या करो, रिमूव कर दो। फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट में क्या है? विड्थ की वैल्यू है, तो विड्थ की बी वैल्यू यहाँ रख दो, एल एज इट इज आ जाएगा, और बी कितना आ जाएगा आपका? 400 - L = 400। जरा केयरफुली आप वॉच करिए, एल को 40 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट 40 L आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, एल का एल से करेंगे, -L² 400। अब देखो आप क्या करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरे एक्स में बनती थी, वाई में बनती थी, एल में बन गई, कोई डरने वाली बात नहीं, एक ही वेरिएबल तो आ गया एल। आप क्या करो इसे, आप ये करो L² को इधर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव हो गया, 40 L को इधर ले जाओ, निगेटिव हो गया, अब 400 इधर ही पड़ा है, पड़ा रहने दो। देखो ऐसा करने से क्या है, यहाँ L² पॉजिटिव हो गया ना, अब यहाँ ए का कोफिशिएंट माइनस वन ना लेते हुए वन ले लेंगे, L² इधर ले गए पॉजिटिव, 40 L इधर ले गए निगेटिव पॉजिटिव से, 400 L कहीं नहीं गया। अब हम डी निकाल करके पता लगाएंगे कि इज इट पॉसिबल और नॉट, तो हम डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो वन ले लो, L² का कोफिशिएंट वन और L का कोफिशिएंट बी, ब्रैकेट में ले लो माइनस है, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म होगा। यहाँ डरो मत, X² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, यहाँ पर L में बन गई। अब D निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, B² - 4AC वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो B कितना है? -40, इसका स्क्वायर -4, A कितना है? 1 और C कितना है? 400। हैव यू गॉट इट? हाँ जी। तो अब ये देखिए, -40 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा, मतलब होल स्क्वायर ऑफ -40 विल बी 1600, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 × 4 = 16, 1600। ओ माय गॉड, ये तो आपका जीरो आ गया, तो जीरो आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं, तो इज इट पॉसिबल? जब जीरो आए या जीरो से बड़ा आए, यस
इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है।